तो गाइस ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने OBS स्टूडियो में एक ऐसा वर्टिकल सेक्शन कैसे ऐड कर सकते हो जो कि आपको मदद करेगा वर्टिकल क्लिप्स निकालने के लिए जिसको आप यूज कर सकते हो शॉर्ट्स के लिए या फिर इंस्टाग्राम रील्स के लिए। आसान भाषा में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हो नॉर्मली, जैसे ऐसे हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और आपके लाइव स्ट्रीम के दौरान ही आपके लाइव स्ट्रीम पर कुछ तो एकदम तगड़ा सा एपिक मोमेंट हो गया, अच्छा सा किल कर लिया आप लोगों ने और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको तो मैं यूज कर सकता हूँ शॉर्ट्स के लिए या फिर रील्स के लिए अपलोड करने के लिए, तो इसको मुझे सेव करना चाहिए था, तो आप अपने कीबोर्ड में एक की को प्रेस करोगे किसी भी की को जो आप सेट करोगे और आपके लाइव स्ट्रीम पे जो भी थोड़ी देर पहले हुआ उसकी क्लिप जो है वो सेव हो जाएगी, वो भी वर्टिकल फॉर्मेट में कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड में वो जो बटन है वो प्रेस कर दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे इस फोल्डर में जो कि मैंने वर्टिकल क्लिप्स फॉर OBS नाम से एक फोल्डर बना रखा है उसमें क्लिप सेव हो गई। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वर्टिकल फॉर्मेट में हमारी जो क्लिप है वो सेव हो चुकी है। कोई एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कि आपको पूरी लाइव स्ट्रीम डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर आपको किसी वीडियो एडिटर में जाके एडिट करना पड़ेगा, अपने गेम प्ले की सीन को नीचे सेट करना पड़ेगा, फेस कैम की सीन को ऊपर सेट करना पड़ेगा, ये सारी चीज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट बनी बनाई से क्लिप जो है वो सेव हो जाएगी आपके स्टोरेज में। तो ये चीज आप लोग कैसे कर सकते हो और कैसे सेक्शन को ऐड कर सकते हो अपने OBS स्टूडियो में, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं ये चीज कैसे करना है। अब देखो ये चीज करने के लिए सबसे पहले तो आपको कसम खाना पड़ेगा कि ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दोगे इस वीडियो को छोड़ के जाने से पहले, इतना आपने कसम खा लिया। उसके बाद में आपको अपने पीसी में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना, उस ब्राउजर में आपको जाना है atom.tv इस वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। उसके बाद वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाओगे। ये वेबसाइट पे आने का थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा Atom वर्टिकल प्लगइन फॉर OBS 29+, इसके ये नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे नीचे डाउनलोड की बटन मिल जाएगी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा आपका इसका जो प्लगइन है, तो वो प्लगइन समझ लो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे डाउनलोड में अगर मैं जाके दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से उसका जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे इंस्टॉल कर लोगे, वो तो आपको इंस्टॉल करना आता है। जैसे आपने इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद में आप लोगों को अपना OBS स्टूडियो को ओपन करना है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ अपने OBS स्टूडियो को और OBS स्टूडियो को ओपन कर देता हूँ। इतना ध्यान रखना है OBS स्टूडियो को ओपन रख के फिर मत इंस्टॉल करना है प्लगइन को, वरना आपको फिर से क्लोज करके फिर से आपको OBS स्टूडियो को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम OBS स्टूडियो को ओपन कर चुके हैं और OBS स्टूडियो में यहाँ पे आपको ये वर्टिकल विंडो एक्स्ट्रा इसका जो क्या कहते हैं इसको डॉग जो है वो ऐड हो चुके हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और नीचे भी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो वर्टिकल सीन और वर्टिकल सोर्सेस का एक्स्ट्रा यहाँ पे दो डॉग्स ये भी ऐड हो चुका है। अब ये कैसे काम करेगा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे आप समझ लो ये हमारी गेम प्ले सीन है नॉर्मल, आपने अपनी गेम प्ले सीन को सेट कर रखा है कुछ इस प्रकार से। अब आप चाहते हो कि आपकी गेम प्ले सीन के टाइम में यहाँ पे कैसा रहना चाहिए जो है आपका गेम प्ले कैसा दिखाई देना चाहिए, मतलब क्लिप कैसी सेव होना चाहिए, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने तो यहाँ पे रैंडम एक वीडियो लगा रखा है बैकग्राउंड में क्योंकि अभी तो मैं गेम खेल नहीं रहा हूं, तो यहां पे मैंने बस एक रैंडम वीडियो लगा रखा है मीडिया सोर्स में। तो आप जो भी सोर्स यूज करते हो अपना गेम प्ले कैप्चर करने के लिए, गेम प्ले कैप्चर सोर्स यूज करते हो या फिर मीडिया सॉरी विंडो कैप्चर यूज करते हो या फिर अपना पूरा डेस्कटॉप कैप्चर यूज करते हो, तो वो सोर्स को यहां पे ऐड करना है। तो यहां पे बनी बनाई एक सीन पहले से रहती है, उस सीन के अंदर आपको यहां पे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है और जो भी सोर्स यहां पे आपने नॉर्मल सीन में यूज कर रखा है विंडो कैप्चर यूज कर रहा है तो विंडो कैप्चर या फिर जो भी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने खाली अभी के लिए मीडिया सोर्स रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने गेम प्ले वीडियो स्टॉक जो वीडियो है उसको बैकग्राउंड में प्ले करके रखा है, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे हम लोग नॉर्मल सीन में सोर्सेज ऐड करते हैं वैसे यहाँ पे वर्टिकल वाले वीडियो के लिए भी आपको सोर्सेज ऐड करना है। अब आप देख सकते हो जो यहाँ पे पीछे चल रहा है वीडियो वही वीडियो यहाँ पे भी चलने लग गया है। अब इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो जैसे भी आपको एडजस्ट करना, तो यहाँ पे आप इसको रिसाइज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कर्सर ले जाओगे और इसको यहाँ पे रिसाइज कर लोगे, तो इसको मैं बड़ा कर लूंगा फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना चाहिए समझ लो, और इसको यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करके सेंटर में थोड़ा सा जितना भी चाहिए आपको जैसे भी एडजस्ट करना है उसको एडजस्ट कर लो। उसके बाद में बारी आती है ऊपर फेस कैम ऐड करने की, तो यहाँ पे जैसे हमारा वेबकैम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मैं वेबकैम ऐड करना चाहता हूँ, तो इसी सीन में यहाँ पे एक नया सोर्स ऐड करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वीडियो कैप्चर डिवाइस और यहाँ पे वेबकैम वाला जो मेरा वेबकैम है सोर्स है उसको मैं ऐड कर लूंगा और इसको इसकी साइज को भी हम लोग यहाँ पे अपना कर्सर ले जाके रिसाइज कर सकते हैं, तो इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा अपने हिसाब से स्वाद अनुसार और इसको भी मुझे जहां पे भी एडजस्ट करना उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। तो ये तो हो गई हमारे गेम प्ले सीन के लिए सीन तैयार, ठीक है, मुझे इधर देख के बात करना चाहिए, ठीक। अब ऐसे हम लोग जस्ट चैटिंग सीन के लिए भी आप लोग सेट कर सकते हो, जैसे मैं जस्ट चैटिंग सीन पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे समझ लो ये मेरी जस्ट चैटिंग सीन है, ये बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बना दिया है जस्ट चैटिंग सीन, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग एक नई सीन यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन में क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और इस नई सीन को नाम दे देंगे चैटिंग chattingi, जैसे हम लोग नॉर्मल सीन क्रिएट करते हैं वैसे ही आप लोग यहाँ पे भी सीन क्रिएट कर सकते हो। और जस्ट चैटिंग सीन के लिए यहाँ पे आपको नया सोर्स ऐड करना है, तो जस्ट चैटिंग सीन में आपको कैसा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपना वेबकैम सबसे पहले तो ऐड कर लूंगा और इसकी साइज को जो है एकदम मस्त बड़ा कर दूंगा कुछ इस प्रकार से,
आप लोग अपने हिसाब से स्वाद अनुसार इसको कर दो। और समझ लो अब मैं नीचे चाहता हूँ कि नीचे ये मेरा रिसेंट सब्सक्राइबर और रिसेंट सुपर चैट भी दिखाई दे, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रुप में ऐड करके रखा है ये चीज़ को, तो वो ग्रुप को भी मैं यहाँ पे प्लस पे ऐड करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ग्रुप पे जाऊंगा और यहाँ पे रिसेंट सब्सक्राइबर्स वाले ग्रुप को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे रिसेंट सब्सक्राइबर वाले का भी नाम आ चुका है और सेम ऐसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप पे ले जाऊंगा और यहाँ पे रिसेंट सुपर चैट वाला जो ग्रुप मैंने बना के रखा अपने नॉर्मल सीन में उसको भी ऐड कर लूंगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जस्ट चैटिंग सीन भी तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देख के बात करना है, मैं इधर देख के क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है, सीन तैयार हो गया। अब इन सीन को आपको लिंक करना है, वो लिंक कैसे करना, तो यहाँ पे आपने जो भी सीन बनाई है, तो समझ लो चैटिंग वाली जो सीन है इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लिंक्ड सीन्स वाले ऑप्शन पे कर्सर ले जाऊंगा, इसको लिंक कर देना है आपको जस्ट चैटिंग वाली सीन से। तो जो भी आपकी सीन जो भी आप बना के रखोगे वो जो भी आपने नाम दिया रहेगा वो सीन यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जस्ट चैटिंग वाली सीन को मैं अपने जस्ट चैटिंग वाली सीन के साथ लिंक कर देता हूँ और जो वर्टिकल सीन जो हमने पहले गेम प्ले के लिए बनाया उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको भी मैं यहाँ पे लिंक सीन पे ले जाता हूँ और इसको मैं अपने गेम प्ले सीन के साथ मैं लिंक कर दूंगा, उसको टिक कर दूंगा तो वो लिंक हो जाएगी। इससे क्या हुआ लिंक करने से, तो अब जब भी आप स्ट्रीम करते हो अपने ओबीएस स्टूडियो में अपने नॉर्मल सीन को भी स्विच करोगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीन स्विच हो गया। जैसे अभी मैं जस्ट चैटिंग सीन पे जाता हूँ देखो, तो यहाँ पे भी जस्ट चैटिंग सीन वाली जो हमने वर्टिकल सीन बनाई वैसी यहाँ पे चेंज हो गई। गेम प्ले पे जाऊंगा तो यहाँ पे भी गेम प्ले सीन आ जाएगी। अब इसकी क्लिप्स को कैसे सेव करना और इसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले तो आपको जनरल सेटिंग में रिजोल्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे रिजोल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वीडियो बिटरेट सेट कर सकते हो कि जो भी क्लिप सेव होगी उसका बिटरेट क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगा। और यहाँ पे आपको बैक ट्रैक का ऑप्शन मिल जाएगा, अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज को हरदम टिक मार्क रखना है ताकि आप लोग इसको ऑन करना ना भूलो जब भी आप OBS स्टूडियो को ओपन करो या फिर जब भी आप लाइव जाओ तो ये अपने आप बैक ट्रैक जो है वो अपने आप जो है वो चलते रहना चाहिए पीछे, क्योंकि ये पीछे चलते रहेगा तभी तो ये क्लिप्स को सेव कर पाएगा ना जब आप की को प्रेस करोगे किसी भी। तो वो की कहाँ पे सेट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे बैक ट्रैक को आपको टिक रखना है और अभी के लिए मैं बैक ट्रैक ऑलवेज ऑन पे रख देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे करके भी दिखाऊं कि काम कर रहा है या नहीं। इसको आपको ऑन रखना जरूरी नहीं है, इधर यहाँ पे टिक करना आपको जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको टिक रखना जरूरी है, ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बैक ट्रैक रिकॉर्डिंग लेंथ का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको कितने सेकंड का जो लास्ट कितने सेकंड में जो कुछ भी हुआ वो सेव करना है, कितने सेकंड की क्लिप आपको सेव करना है वो टाइम आप यहाँ पे सेकंड में ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 30 सेकंड ऐड करके रखा है, आप चाहो तो 60 सेकंड ऐड कर सकते हो, 90 सेकंड ऐड कर सकते हो, 120 सेकंड ऐड कर सकते हो, जितने भी मिनट की क्लिप आपको सेव करनी है मतलब रिप्ले उतना सेकंड यहाँ पे डाल दो। मैं अभी के लिए 30 सेकंड ही रखता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे बैक ट्रैक रिकॉर्डिंग पाथ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे भी आप अपनी क्लिप्स को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे ही अपने एक क्लिप्स नाम से फोल्डर बना रखा है, मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मेरी जो क्लिप्स है वो वहीं पे सेव होगी। फिर उसके बाद नीचे यहां पे सेव बैक ट्रैक हॉटकी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पे आपको वो की को सेट करना है हॉटकी को, जो भी आप कीबोर्ड में जो भी बटन प्रेस करोगे तो आप क्लिप सेव करना चाहते हो, तो यहां पे आपको अपने कीबोर्ड की किसी भी बटन को सेव कर लेना। तो जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, उसके बाद मैं चाहता हूं समझ लो कि मैं जब भी अपने कीबोर्ड में एक नंबर की प्रेस करूं, फॉर एग्जांपल आप अपने कोई भी की को यहां पे सेट कर सकते हो, मैं जब भी अपने कीबोर्ड में नंबर 1 की प्रेस करूंगा तो क्लिप जो है वो सेव हो जाना चाहिए। तो यहां पे नंबर 1 वाली जो कीबोर्ड में बटन है वो मैंने प्रेस कर दिया, वो यहां पे हॉटकी सेव हो चुकी है। इतना आप लोगों ने कर लिया ये वाली सीन पे। उसके बाद ये स्ट्रीमिंग की सेटिंग है, यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हो वर्टिकल में डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करना किसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे तो वो चीज आप कर सकते हो। यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले सेटिंग में रिकॉर्डिंग की भी सेटिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, बट क्लिप्स बनाने के लिए लाइव स्ट्रीम के दौरान ये दोनों सेटिंग को करने की कोई जरूरत नहीं, बस जनरल सेटिंग में जो भी सेटिंग्स मैंने बताई आप लोगों को इनको आपने ऐसे सेट कर दिया, उसके बाद में आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने, अब इतना आपको ध्यान देना है कि जब भी आप लाइव जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ये ऐसा ब्लू कलर में दिखाई देना चाहिए, मतलब बैक ट्रैक जो है वो ऑन रहना चाहिए। अभी मैंने ऑलवेज ऑन पे रखा है तो वो ऑन है, और आप जब भी लाइव जाओगे ना स्टार्ट स्ट्रीमिंग करोगे तो ये ऑलरेडी ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, अब समझ लो हम लोग लाइव है, हम लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ तो एपिक मोमेंट हो गया। और अब मुझे क्लिप सेव करना था, लास्ट 30 सेकंड में जो कुछ भी हुआ मैं एक नंबर की को ऐसे प्रेस कर दूंगा अपने कीबोर्ड में और जो भी अभी हमारा हुआ वो हमारे फोल्डर में सेव हो चुका है, जो क्लिप्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया। तो यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे चले जाऊंगा, डेस्कटॉप पे क्लिप्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिप जो है वो ऐड हो चुकी है। प्ले करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो क्लिप है वो वर्टिकल फॉर्मेट में यहां पे सेव हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को ऐड कर सकते हो, इस प्लगइन को ऐड कर सकते हो, और आप लोग भी अपना जो शॉर्ट्स और रील्स बनाने का जो प्रक्रिया है उसको बहुत ही आसान कर सकते हो अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान ही कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बस इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।